दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि भाई अगर हमारे पास GoPro Hero 8 है या GoPro Hero 9 है, कोई भी एक्शन कैमरा हो, तो उसका जो वीडियो एडिटिंग क्या हम हमारे मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को आधा देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे ना, सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलो पहले मैं बोलता हूँ कि GoPro में सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, ठीक है, आप GoPro लोगे तो आप तो यार कुछ टेक वीडियो नहीं बनाओगे ना। GoPro लोगे किस लिए? ब्लॉगिंग के लिए। तो बेसिकली GoPro ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कोई वीडियो शूट करता है, आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर का देखे होंगे, जितने भी ब्लॉगर्स है आप लोग देखे होंगे, उनका जो यूट्यूब पे वीडियो होता है ना, वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 1080p में होता है, ठीक है। कोई कोई फॉरेन यूट्यूबर हो गया, कोई इंडिया का यूट्यूबर भी कोई कोई है बड़ा क्रिएटर जो कि 4K में अपलोड करता है या 2K पे, ज्यादातर आपने देखे होंगे कि 1080p पे सब एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे समझो, अगर आप 4K पे शूट करोगे तो आपके पास अच्छा एडिटिंग सेटअप होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4K पे शूट मत करो, मैं बोल रहा हूँ आप 4K पे शूट करो, क्योंकि 4K पे जो क्वालिटी आता है ना, वो बहुत ही तगड़ा क्वालिटी आता है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि आप अगर 4K पे शूट कर रहे हो तो मोबाइल पे क्या होता है ना, एडिट कर सकते हो, पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एडिटिंग में। वो कभी कभी आपने देखे होंगे कि 4K वीडियो जर्की आता है, ठीक है, मतलब रुक रुक सा जाता है एडिटिंग में। चाहे वो आप काइन मास्टर में एडिट करो या फिर आप पावर डायरेक्टर में एडिट करो या कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन होता है ना, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, उसमें भी एडिट करो, तो आप उसमें नोटिस करना कि जर्की आता है, मतलब रुक रुक जाता है, ठीक है, तो वो 4K वीडियो एडिट नहीं हो पाता है ठीक से, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, मैंने आईफोन में करके दिखाऊं कि कोई भी 4K वीडियो ले लो, आईफोन में इतना मतलब अच्छा मतलब फीचर दिया हुआ है। अब कोई भी GoPro का 4K वीडियो ले लो, आईफोन में जो आईफोन 6 होता है ना, आईफोन 6 में भी आप 4K वीडियो इजीली एडिट कर सकते हो, मैंने ये भी देखा है। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप 4K वीडियो GoPro में शूट करो और आईफोन में एडिट करो, आराम से हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो, ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो, उसमें देखना आपके मोबाइल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का हो, ठीक है, मतलब उसमें देखना कि 4K सपोर्ट हो, ठीक है, आपके मोबाइल में। और कोई कोई मोबाइल ऐसा भी होता है उसमें 4K सपोर्ट होता है और जब एडिटिंग करते हैं एप्लीकेशन में वो जर्की होता है, मतलब रुक रुक सा जाता है, वो मतलब रियल टाइम में वीडियो प्ले नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप कभी भी आप अगर वीडियो शूट करते हो ना, तो आप क्या करना, 1080p में शूट करना वीडियो, ठीक है, क्योंकि 1080p में अगर आप शूट करोगे तो आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन में या कोई भी मोबाइल वीडियो एडिटर में आप इजीली वीडियो को एडिट कर सकते हो, उसमें रियल टाइम में प्ले होगा, कोई जर्की नहीं आएगा, रुक सा नहीं जाएगा, एकदम मस्त से एडिट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप 4K वीडियो डाल रहे हो तो आप देखना उसमें 4K वीडियो डालने के बाद तो वो पूछेगा, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखना पूछेगा कि 4K में वो नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा, रेजोल्यूशन को कम करके 1080p या 2K पे ले जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के फीचर के ऊपर, ठीक है, आपके मोबाइल क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि 1080p में शूट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है मैं 1080p में शूट कर रहा हूं और 24 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर रहा हूं। अगर आपको स्लो मोशन चाहिए ब्लॉगिंग में तो आप 1080p ले लो और फ्रेम रेट को आप ज्यादा कर दो, जैसे 60 कर दो, 120 कर दो। GoPro में तो आपको पता होगा, मैं तो बेसिकली GoPro Hero 9 यूज कर रहा हूँ, ये जो शूट कर रहा हूँ ना, ये GoPro Hero 9 में शूट कर रहा हूँ और ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो 24 फ्रेम पर सेकंड में शूटिंग हो रहा है, मतलब 24 FPS पे शूट हो रहा है। और जो इसका जो साइज है, जो वीडियो का साइज, ये वाइड नहीं रखा हूं मैं, इसको रखा हूं मैं लीनियर पे। लीनियर पे क्या होता है ना, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, कोई भी टेक यूट्यूबर का वीडियो, तो उस साइज में आता है। अगर आप इसको वाइड कर देते हो तो वाइड में दिखता है, तो मैं वाइड नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को लीनियर अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूं, टेक वीडियो या कुछ टिप्स देता हूं आप लोगों को। तो बस आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आप ज्यादा फ्रेम पर सेकंड में आप शूट कर सकते हो स्लो मोशन के लिए। और हाँ, ये भी एक चीज होता है, मोबाइल में ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड में अगर आप स्लो मोशन करोगे ना, वो थोड़ा मतलब स्मूथ नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करना, अगर आपके पास पीसी है, देखो मैं तो ये बोलूँगा यार, मैं तो मेरे पास लैपटॉप है उसमें 16GB रैम डाला हूँ और हार्ड डिस्क है, मेरा बहुत स्लो होता है, मैं 4K वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाता हूँ, मैं सब 1080p नहीं तो 2K का वीडियो शूट करके एडिट करता हूँ, 4K वीडियो मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है।
तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा यार, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप GoPro ले सकते हो। आप GoPro ले के 1080p में वीडियो शूट करो, और एक एप्लीकेशन आता है जो GoPro का मोबाइल पे कनेक्ट करने के लिए, वो एप्लीकेशन के थ्रू आप वो वीडियो को डायरेक्ट अपने मोबाइल पे ले जाओ, GoPro से मोबाइल पे ले जाओ। फिर क्या होगा, आप मोबाइल से एडिट करो, बहुत ईजीली हो जाएगा। मेरे को तो लगता है कि मोबाइल बहुत ईजी है, लैपटॉप क्या है, आप लैपटॉप खोलो, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को ओपन करो, तब तक तो मोबाइल में एडिट हो जाएगा यार। आधा जितना प्रोसेस आप लैपटॉप में करोगे बहुत ईजीली आप मोबाइल में भी कर सकते हो। हाँ, लैपटॉप में एक चीज़ होता है, मैंने देखा है कि जो कटिंग होता है ना, जैसे मोबाइल में उंगली टच करके आप कट करते हो, जूम करना पड़ता है, पर्टिकुलर एक पार्ट को आप कट करोगे तो जूम करना पड़ता है, क्योंकि आपको मोबाइल में ना जो ऑडियो है ना, ऑडियो का वेव फॉर्म नहीं दिखता है, तो वो दिक्कतें आ सकता है। पर मेरा जो लैपटॉप में क्या है, वो ऑडियो का वेव फॉर्म दिखता है, तो मैं कहाँ पर स्टॉप किया हूँ तो वो देख के मैं कट कर सकता हूँ ईजिली। मेरे को कटिंग बिटिंग करना है तो मैं लैपटॉप में करता हूँ, बहुत ईजिली मेरे को ईजिली एडिट हो जाता है जो 1080p का वीडियो। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आप 4K में शूट कर रहे हो और 4K में एडिट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एडिटिंग सेटअप के लिए, ठीक है ना। तो जो गेमिंग सेटअप होता है ना, उसी तरीके का सेटअप करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप 4K वीडियो ईजिली कर सकते हो। और आप ब्लॉग वगैरह है ना, आप रेगुलर मत डालो, आप वीकली वंस डाल सकते हो, ठीक है। और कोशिश करना, ब्लॉग में मैंने एक चीज़ देखा हूँ, आपका ब्लॉग तब वायरल होगा जब आप ब्लॉग बहुत ही अच्छा बनाए होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप एक हफ्ता में एक ब्लॉग डालो, पर उसको एक हफ्ता तक काम करो, कुछ वॉइस ओवर दो, कुछ सिनेमैटिक बी रोल दिखाओ, ठीक है ना, और कुछ अच्छा म्यूजिक डालो और डिटेल में बताओ, ठीक है। एडिटिंग जितना दिन आप लोगे ना, तो आपका वीडियो क्या होगा ना, वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा वीडियो बनाओगे उतना अच्छे ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये होता है। तो मेरा भी एक है ब्लॉग चैनल, आप लोग अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कैसे ब्लॉग बनाता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देना उस चैनल को, देखना, देखने से सब कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग वो ब्लॉग वीडियो से आप देख सकते हो कि मैं किस तरह सिनेमैटिक ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जगन्नाथ।